Of your students, today we are going to start with our English grammar subject of class 3rd. The book name is Grammar Roots. Now, funny book students. Yes, students, today we are studying chapter number 6, Adjectives. Matlab, Visheshan. Adjective means Visheshan, which is on page number 34. Now, let's start. It is big also. Your house is beautiful. How many rooms are there? There are 6 rooms. What is this behind you? This is a round dining table. ये बच्चे बात कर रहे हैं ये विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम noun और pronoun की जो विशेषता बताते हैं देखिए उनको describe करते हैं An adjective इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव जो होता है विशेषण जो होता है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है यानी विशेषता बताने वाला इट टेल्स यू अबाउट अ नाउन और डिस्क्राइब इट ये आपको नाउन के बारे में बताता है और उसको डिस्क्राइब करता है उसकी विशेषता बताता है एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है और उसको डिस्क्राइब करता है इट कैन ऑल्सो कम आफ्टर द नाउन At the end in the sentences और ये noun के बाद भी आ सकता है और उसके end में भी आ सकता है ठीक है कोई कंप वो नहीं है Read the following sentences ध्यान से देखिए The ship sank in the deep sea ship जो है वो गहरे समुद्र में डूब गया तो यहाँ पर देखिए noun से पहले आया विशेषण John's handwriting is very neat अब यहाँ आया नाउन के बाद या सेंटेंस के एंड में ठीक है शी हाइड द बॉक्स इन अ डार्क कॉर्नर ठीक है यहाँ पे भी डार्क जो वर्ड है वो है विशेषण यानी एडजेक्टिव्स दे आर वेरी टॉल समझ गए तो जितने ये ग्रीन वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस ए द एडजेक्टिव डी टेल अस मोर अबाउट द नाउन सी जो एडजेक्टिव डीप वर्ड है वो हमें जो नाउन वर्ड है सी उसके बारे में और अधिक बता रहे इन सेंटेंस बी द एडजेक्टिव नीड्स टेल अस मोर अबाउट द नाउन हैंड राइटिंग ठीक है इन सेंटेंस सी द एडजेक्टिव डार्क टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन कॉर्नर इन सेंटेंस डी द एडजेक्टिव टॉल टेल अस मोर अबाउट द प्रोनाउन दे तो ये सब हमें इनके बारे में पता है चलिए क्वेश्चन नंबर ए अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर इज एन एम्प्टी रूम अपस्टेयर्स तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड क्या है एम्प्टी तो यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया इट इज़ अ हॉट समर हॉट इज अ एडजेक्टिव वर्ड तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है यू आर वेरी काइंड डू नॉट बी क्रेजी वर्ड को अंडरलाइन किया सिंगापुर इज़ क्लीन एंड ग्रीन क्लीन और ग्रीन को अंडरलाइन किया मैनी पीपल एक्सरसाइज टू कीप हेल्दी को अंडरलाइन किया दिस एग्स आर रोटन को अंडरलाइन किया वी आर ऑल बोर्ड देयर इज़ नथिंग टू डू बोर्ड को अंडरलाइन किया बिकॉज ये विशेषण शब्द है जेम्स वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज इल एबसेंट ठीक है तो ये इसको मैंने अंडरलाइन किया Fill in the blanks using the adjectives given below. The ice cream is very sweet. यहाँ से ऊपर आपको help लेकर यहाँ पे fill करना है तो यहाँ पे आएगा sweet. ये इसका adjective word. It is very hot in summer. They are giving free books to the library. They live in a large house. Jenny is wearing a short skirt. They are climbing up a high mountain. These puppies are very playful. Many poor people have no home. So students, ये है इस तरह से I hope students आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा Next अगली क्लास में तो bye students, take care. Stay safe and stay healthy. वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. Thank you.